Next question, 2016 का सवाल है. Question says a body of mass m is attached to the lower end of a spring whose upper end is fixed. The spring has negligible mass. When the mass m is slightly pulled down and released, it oscillates with a time period of 3 seconds. When the mass m is increased by 1 kg, the time period of oscillation becomes 5 seconds. सवाल ये है कि value of m क्या होएगी? हमारे option है 3/4, 4/3, 16/9 या फिर 9/16. Again, बहुत आसान सवाल है. पहले situation समझते हैं, फिर सवाल को solve करेंगे. Situation ये है कि ये आपका spring और उसके ऊपर एक आपने लटकाया हुआ मास m, जब वो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k कह लेते हैं, जब आपने इसको ऑसिलेट किया तो टाइम पीरियड आया 3 सेकंड. दूसरे केस में इसी स्प्रिंग के ऊपर जो मास लगा हुआ था उस पर आपने m प्लस 1 kg कर दिया, इस टाइम पे टाइम हो गया आपका 5 सेकंड्स. ऑलराइट, हमें बताना है 1 किलो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम ही रहा, हमें बताना है इस m की वैल्यू क्या होगी. नाउ ये बात अपने को पता है कि टाइम पीरियड t हम लिखते हैं 2π अंडर रूट m बाई के, तो ये आपका t1 पहले केस में हो जाएगा, t2 दूसरे केस में हो जाएगा, 2π अंडर रूट m प्लस 1 डिवाइड बाई के. अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो अपना आ गया t2/t1, 2π और k कैंसिल हो जाएगा, विल बी इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m, ये आपका वैल्यू हो जाएगी. नाउ ये अपने को t2 जो है ये 5 सेकंड दिया हुआ है, ये 3 सेकंड t1 है, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा 25/3 इज इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m. नाउ अगर तो कंपोनेंटो डिविडेंडो आता है तो बहुत आराम से दूसरे स्टेप में आंसर आ जाएगा, बट अगर हम नहीं आता तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कर लेते हैं इसको, ये आएगा 25m विल बी इक्वल टू, एक मिनट, ये 3 का स्क्वायर 9 होएगा. सो ये बनेगा आपका 9m प्लस 9, इसको इधर लेके आए, ये 16m होएगा 9, तो m की वैल्यू हो गई 9/16 kg. सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी 9/16 वुड बी द राइट आंसर.